साल 1911 से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बदलकर दिल्ली को कैपिटल क्यों बनाया गया? दरअसल साल 1905 में लॉर्ड कजन ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था, जिसके बाद बंगाल में उग्र क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गई और पूरे बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलने लगे। मुस्लिम लीग ने इस पार्टीशन का समर्थन किया था। 1909 में आए अधिनियम में मुसलमान समुदाय के अलग निर्वाचन की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया। बंगाल पार्टीशन के बाद बने क्रांतिकारियों के उग्र माहौल की वजह से ऐसी जगह पर राजधानी को रखना किसी भी शासन के हित में नहीं था। ऐसे में दिल्ली में मध्यकाल में मुस्लिम शासकों का शासन रहा और वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग ज्यादा थे, जिन पर मुस्लिम लीग का प्रभाव भी ज्यादा था। साथ ही दिल्ली मध्यकाल में राजधानी के रूप में रही थी और ऐसे में उनको पूरी तरह से व्यवस्था स्थापित करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। इसी वजह से कलकत्ता के बाद दिल्ली से अच्छा कोई विकल्प नहीं था। जुड़े रहें बंसल न्यूज़ के साथ।